नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार चीन की खबरें देख रहा हूं। चीनी कंपनियों पर माननीय मोदी जी की विशेष कृपा और सीमा पर ड्रैगन की लगातार घुसपैठ के बीच चीन से व्यापार में बढ़ोतरी जैसी खबरें आंखों में खटक रही हैं। मन मस्तिष्क इन विरोधाभासों पर विचार विमर्श कर रहा है और इसी विमर्श के दौरान मेरे मन में एक सवाल का उदय है और वो सवाल है, क्या चीनी कंपनियों से लिए पैसे को छुपाने के लिए मोदी सरकार पीएम केयर्स की राशि का डिटेल नहीं बता रही है? ये हाहाकारी सवाल मेरे मन में कहां से आया है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। चीन का सरकारी मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स। उसी ग्लोबल टाइम्स ने गुजरात चुनाव के मद्देनजर लिखा था, अगर भाजपा गुजरात चुनाव हार जाती है तो फिर चीन को नुकसान होगा। क्यों भाई, चुनाव चीन में नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है। चीन और भाजपा भाई भाई, क्या जो एक भाई के गुजरात में चुनाव हारने से दूसरे भाई को नुकसान हो जाएगा? सवालों की बिखरी कड़ियों को जोड़ने के क्रम में कुछ दिलचस्प तथ्य सामने आए हैं और हमने वो इन्वेस्टिगेट किया। चीन की एक कंपनी यूसी वेब मोबाइल, 2017 में मोदी सरकार ने इस कंपनी पर आरोप लगाया कि ये भारतीयों का डाटा चुराकर चीन भेजती है, लेकिन बाद में उसी कंपनी से भाजपा ने साल 2019 के चुनाव में अपनी ब्रांडिंग करवाई। अब सवाल उठ रहा है कि साल 2017 से साल 2019 के बीच उस कंपनी से बीजेपी सरकार की ऐसी क्या डील हुई कि वो सीधे बीजेपी को चुनाव जिताने की जुगत में लग गए। एक और चीनी कंपनी का नाम ना सुन लीजिए और उसकी दास्तां आपको सुनाते हैं। चीन की एक बड़ी कंपनी है डोंगफेंग। दुनिया के कई देशों में इस कंपनी का कारोबार है। कई देशों में इस कंपनी पर घोटाला और कई दूसरे तरह के आरोप भी लगे हैं। इस कंपनी की गैरकानूनी और संदेहास्पद गतिविधियों को देखते हुए विश्व बैंक तक ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करके रखा है। लेकिन डोंगफेंग पर मोदी जी की विशेष कृपा देखिए। इस कंपनी को उन्होंने जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाने का प्रोजेक्ट दे दिया, जिस कंपनी को विश्व बैंक और दुनिया के दूसरे देश अपने नॉर्मल शहर और गांव में काम करने के काबिल नहीं समझते हैं, उस पर भरोसा भी नहीं रखते हैं। उस कंपनी को मोदी जी ने कश्मीर घाटी जैसे संवेदनशील इलाके में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दे रखा है। कोई किसी पर यूं ही इतनी बड़ी कृपा नहीं करता है, कुछ तो अंदर बड़ी बात जरूर होगी। तो क्या है वो बड़ी बात? क्या वो बड़ी बात यही है कि चीनी कंपनियों से लिए पैसे को छुपाने के लिए मोदी सरकार पीएम केयर्स की राशि का डिटेल नहीं बता रही है? पीएम केयर्स राशि का घोटाला आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएम के नाम पर देश दुनिया में वसूली हुई, लेकिन उस वसूली पर सरकार सांस तक नहीं ले रही है। न वो जमा राशि के बारे में बता रही है, न जमाकर्ताओं के बारे में बता रही है, ना ही ये बता रही है कि वो पैसा आया कहां से और गया कहां। अब यही सामने आता है चीनी कंपनियों का मुद्दा। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चीनी कंपनियों ने मोदी सरकार पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनियों को उम्मीद है कि मोदी सरकार रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उन्हें फायदेमंद प्रोजेक्ट देगी और इस मामले में मोदी सरकार ने उन्हें निराश भी नहीं किया है। एक तरफ चीन के सैनिक सीमा पर हमारे जवानों पर हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे देश की मोदी सरकार चीनी कंपनियों को ठेके पर ठेके दिए जा रही है। यह सब जानकारी सोशल मीडिया पर मौजूद है। मुख्य धारा की मीडिया जरूर इन सवालों से कन्नी काट रही है, लेकिन सोशल मीडिया इन मामलों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। लेकिन अब तक ये सवाल कहीं नहीं दिखा कि क्या चीनी कंपनियों से लिए पैसे को छुपाने के लिए मोदी सरकार पीएम केयर्स की राशि का डिटेल नहीं बता रही है। दोस्तों, इस सवाल पर आपकी राय का बेसब्री से इंतजार है। नमस्कार।